दरवाजा तोड़ देंगे, अभी तो बाहर निकालो उसको, निकलो बाहर, बाहर निकलो, दरवाजा खोलो, हम दीवार पर से आ जाएंगे, अभी बता दिए हम, फेस टू फेस बात करो नहीं तो बात और बिगड़ेगा, विकास बता दिए हम। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के मनरोजा के समीप एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस दौरान प्रेमिका और प्रेमी के परिजनों के बीच हाथापाई भी हुई। दरअसल मुंगेर के कासिम बाजार निवासी पीड़िता अंकिता कुमारी ने मनरोजा के शर्मा कंसल्टेंसी के संचालक रणवीर शर्मा पर शादी का झांसा देकर एक साल से संबंध बनाए जाने की बात कही। तुम्हारे घर पे है, तुम्हारा भाई को मार के गिराए ना, तुमको भी गिराएंगे, आओ तुम आओगे कि पकड़ के लेके जाए तुम्हारा माँ और भाई को। माँ क्या इसके घर में को भी करके हीरा है, बाकी सब दोगला है इसके घर में। तुमको क्या बोला, बस ये तो वही लड़का सही है, यही तो लड़की रखा है, कौन नंगा नाच कर आता है लड़की को, उसको भी तो लड़की रखा है। मामला यही है कि साल भर से इसके ऑफिस में जब से हम आए हैं, ऑफिस में जब से हम इसके आए हैं, उसके कुछ दिन तक तो ये ठीक रहा, बहन 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 बोल के मेरा विश्वास जीता, उसके बाद ही मेरा कंधा पे हाथ रखा, फिर मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया ये बोल के कि आगे चल के हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और रणवीर शर्मा कहाँ का रहने वाला है, मंदरोजा एसकेपी के पास। कब की घटना ये, कब आपको ये घटना? साल भर से चल रही है और हम झेल रहे हैं, वो विधायक जी के कार्यकर्ता है इसीलिए उसके वजह से वो हमको दबदबा डाल देते हैं। कौन विधायक, क्या नाम है विधायक का? अजीत शर्मा। तो कैसे पता चला कि वो जो है, क्या विधायक का कभी उसने नाम भी यूज किया क्या? बिल्कुल बार बार यूज करते हैं, मेरे पास कितनी सारी रिकॉर्डिंग भी है उसकी। क्या कहता है वो? कहता है कि तुम क्या करोगी, ऐसे सांसद है मेरे पास क्या, 50 करोड़ आदमी मेरे जान पहचान में है, हम कंसल्टेंसी चलाते हैं। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरा जिंदगी तो बर्बाद कर दिया, मीडिया तक मेरा नाम अब चला गया, घिना गया, तो इसको शादी करके मैं हमको घर में रखना पड़ेगा। ये क्या झांसा दिया साल भर से, क्या कहता था, क्या कहता? हम तुमको बहुत मानते हैं, तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तुम मेरे दिल में बहुत अच्छे से रहती हो, तुमसे शादी करेंगे, आगे चल के जो होगा ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम लोग भागलपुर छोड़ देंगे, क्योंकि भागलपुर में हम नहीं रह पाएंगे। अच्छा, इसके माता पिता का क्या कहना है? जो माँ का कहना है कि तुम दो नंबर हो, मेरे हस्बैंड वाला जो केस चल रहा है उस केस को ये लेके बोलता है बार बार कि तुम्हारा तो केस चल गया, तुम दो नंबर लड़की हो, तुमको पति छोड़ दिया। आप मैरिड कब, शादी कब हुई? 2013 में। क्या हुआ था जो कि छूट गई शादी? मेरे हस्बैंड जो थे वो अपनी भाभी के साथ में रिलेशनशिप में थे। हम लोग कितना समझौता करने का कोशिश किए, नहीं माना। 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन हमको एक्सीडेंट में वो लोग जला दिया। इस बात का जानकारी जब मेरे मम्मी पापा को मिला तो वो लोग वो क्या बोलते हैं पटना में हमको ले जाके वहाँ पे 2 महीना मेरा इलाज करवाई, 12 लाख रुपया खर्चा किया। उसके बाद फिर घर में ऐसा सिचुएशन हुआ कि मेरा खाना रहना वहाँ पे मुश्किल हो गया, और मेरी 7 साल की बच्ची भी है, ये बात हम बताना भूल गए थे, उस बच्ची का भी गंजन हो रहा है, आए दिन उसके सामने भी मेरा मारपीट ये करता है, जिसकी वजह से हम अपने मायके में उसको भेज दिए। आप इसके साथ रिलेशन में थी तो क्या आपकी सच्चाई इसको मतलब जानकारी थी? इसको हम ऑफिस से आने से पहले इसको हम सारा बात बता दिए कि मेरे बारे में तुमको जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में हम काम करेंगे, आए दिन अगर मेरे बारे में आपको कोई कुछ बोलेगा तो अच्छा बात नहीं है, इसलिए हम सारा बात इनको बता दिए। आप बताए थे कि आप पहले से मैरिड? बिल्कुल, मेरी बच्ची को भी ये जानते थे, मेरी बच्ची मुंगेर में थी, मम्मी पापा से ये झगड़ा करवा के बच्ची को मुंगेर से ले भी आया साथ में जाके। अच्छा। और उसके बाद 5-6 दिन इसके यहाँ काम किए और ये निकाल दिया ऑफिस से। इतना कुछ जानने के बावजूद भी विकास क्या आपको बोलता था? सब कुछ जानने के बावजूद भी रणवीर शर्मा बोलता फिर भी बोलता था नहीं तुम अच्छी लड़की हो, रहेंगे तुम्हारे साथ। और आए दिन फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और चला जाता है, जहाँ मेरे रूम पे ये रहता है वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा है, अगर हम नहीं निकलवाएंगे तो पुलिस बोलेगी तो वो निकाल के देंगी ही। वहाँ पे बिल्कुल मारपीट करता है, ऐसा मारा था कि मेरा पूरा गाल यहाँ पे 5 उंगली का दाग हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके मोबाइल में किसी लड़की का फोटो हम देख लिए थे, आए दिन एक सोनम नाम की लड़की है, उसके भी पिताजी से इसको गाली गलौज हुआ है, उससे भी बातचीत करता था लेकिन अब वो बात नहीं करती। क्या चाहती हैं अब आप? हम चाहते हैं हम इसे शादी करें अब। शादी इस तरह से शादी होगा, जिस तरह से हंगामा हो रहा है शादी होगा? जो भी होगा सर, हम कहाँ जाएंगे, हम अकेले लड़की हैं, हम कहाँ चिल्लाएंगे, थाना में भी तो हम चिल्लाएंगे ही, हम चिल्ला के भी कहाँ जाएं, 2-3 बार इनके घर से हम घुड़ गए। आपने माता पिता को बताया? मेरी मम्मी पापा को पता है और मेरी बच्ची को, जो भी हम घर में थोड़ा सा कनेक्शन बना के अपने बच्चे को वहाँ भेजे थे
मेरी मम्मी को जब से इस रणवीर शर्मा के बारे में पता चला, मम्मी बोली कि तुम्हारे साथ बच्ची का भविष्य खराब है, तुम बच्ची से कांटेक्ट तोड़ लो। मेरी मम्मी बच्चे से बात भी नहीं करवाती है, इसके वजह से मेरा बच्चा भी छूट गया। मतलब परिवार के साथ अब बच्चा भी आपका जो अपना था छूट गया। मेरा मम्मी पापा का यही कहना है कि तुम्हारे साथ बच्चे का भविष्य नहीं है। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? हम चाहते हैं इसे शादी करना। अब जब तक नहीं करेंगे मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, मेरा नाम गिना जाएगा, सब यही बोलेगा कि लड़की रंडी है, हम कैसे जिएंगे फिर, इसे अच्छा है मर ही जाए। क्या नाम है आपका? अंकिता कुमारी। पिताजी का? श्री सदानंद पाठक। लल्लू पोखर मुंगेर। थाना? थाना कासिम बाजार। लड़का आपको क्या कहकर आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था? यही कि आगे चल के हम तुमसे शादी करेंगे, भागलपुर में सब जान पहचान का आदमी है, यहाँ नहीं रह पाएंगे तो बाहर चले जाएंगे। लेकिन जब से इसके भाई विकास को हमें सारा बात का जानकारी दिए, ये हमको दुड़कारना शुरू कर दिया। जब जब इसका भाई उस पे फोर्स करता है, घर में झगड़ा होता है, ये बातचीत करना बंद कर देता है। जब घर का माहौल शांत हो जाता है तो फिर बात करना स्टार्ट करता है, आता है जाता है सब कुछ करता है। लेकिन फिर शादी करने का जब भी नाम लेते हैं बोलता है एक महीना का टाइम दो। हम उसको इधर ही 8 दिसंबर को इसके घर पे आए थे तो विकास इसका भाई बोला तुमको मारेंगे नहीं तो चली जाओ यहां से। हम चले गए थे, फिर इसको बोले रणवीर शर्मा को तो बोला एक महीना का हमको टाइम दो, जो एक महीना का टाइम परसों ही खत्म हो गया। हम फिर से इसे पूछ रहे थे क्या करना है क्या करना है, बोलता है तुमको जो करना है करो। इसके घर वालों की सहमति थी शादी को लेकर रजामंदी है? ये तो उस पे दबाव डालता है। और कौन डालता है? लड़का थोड़ा बहुत इस मेंटालिटी में है भी कि हम कर ले तो ये लोग दबाव डालते हैं उसके ऊपर, इसकी माँ और इसका भाई विकास, जबकि वो खुद एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। जैसे अभी ये बोला कि इसके ऊपर केस चल रहा है, वैसे अगले आगे बोलेगा कि इसका पति का भी छोड़ दिया और जो था वो भी छोड़ दिया इसको, मेरा क्या इमेज रहेगा? क्या मदद कानून के शरण में आप जाएंगी? आप बिल्कुल, हम चाहते हैं इसे मेरे शादी हो जाए। नाम आ रहा है इसमें विधायक, चूंकि बार बार जो है क्योंकि विधायक की बात आए दिन उसके वजह से बोलता है थाना जाओगी तुम, थाना में 5,000 महीना से तुमको बांध देंगे, थाना क्या करेगा, तुम अगर गवाही करोगी तो गवाही हम ऐसा 10-10 गवाही खड़ा कर देंगे। जैसे ये लोग अभी लेडीज उछली ना, वैसे ही बोलता है कि हम 10-10 गवाही खड़ा करेंगे, जबकि इन लोगों को सारा बात का जानकारी है। अब क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं कि सरकार से या यहाँ की पुलिस से? सर हम इसे शादी करें या ना करें, नाम तो मेरा पूरा घिना जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। रही बात मेरी बच्ची, तो आए दिन मेरी बेटी का भी शादी होने में दिक्कत होगा, बोलेगा माँ ऐसी है तो बच्चा कैसा है। हम अपने लिए अब नहीं चाहते हैं कि इससे मेरा नाम जुड़े, अब हम बच्ची के लिए चाहते हैं। पीड़िता ने बताया कि वो एक वर्ष पूर्व रणवीर के संपर्क में उस समय आई जब पूरे प्रदेश के साथ बिहार के भागलपुर में भी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था और रणवीर ने उसे अपने ऑफिस की देखरेख के लिए रखा था। इस दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए। पीड़िता के मुताबिक उसके बाद रणवीर ने इसका जमकर फायदा उठाते हुए शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बना लिए। उसके बाद अंकिता जब रणवीर पर शादी का दबाव बनाने लगी तो रणवीर ने खुद को भागलपुर विधायक का करीबी बताते हुए कोर्ट कचहरी और पुलिस को अपने पॉकेट में रखने की बात कही। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मौके पर ततारपुर थाना पुलिस पहुंची और पीड़िता अंकिता को लेकर महिला थाना पहुंचा दिया, जहां अंकिता थाना के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं प्रेमी के भाई विकास शर्मा ने बताया कि उसके भाई को फंसाने की साजिश की गई है।